हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं भी रेडी हो गई हूँ आज करवा चौथ की पूजा के लिए। मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के पास। दोस्तों, सारी ही सहेलियाँ मेरी रेडी हो गई हैं और हम लोग यहाँ पे अब सामूहिक रूप से पूजा करेंगे और सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे और यहाँ पे हम लोग कीर्तन करेंगे। मेरी सारी ही सहेलियों की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरी कथा तो हम लोग नहीं सुना पाएंगे आपको, शॉर्टकट में हम कथा सुना देंगे। अगर पूरी कथा सुनाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट में आपको कथा सुनाएंगे। आप लोग कथा जरूर सुनिएगा। सात भाइयों की एक बहन हुआ करती थी, वह अपने मायके में आई थी। कुछ दिनों बाद जब करवा चौथ का व्रत हुआ तो उस बहन ने भी अपना सारे भाइयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा था। बहन को भूख से व्याकुल देखकर भाई लोग सोचने लगे कि इस तरह हमारी बहन तो मूर्छित हो जाएगी और कैसे प्यासी रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, वह एक भाई पेड़ में चढ़ के नकली चाँद का दिखा के आग जला के छन्नी से दिखाते हुए दूसरा भाई बहन को बुला के आलाता है, कहता बहन देखो चाँद आ गया। भाइयों ने उस बहन को बहुत समझाया कि तुम्हारे भाई झूठ बोल रहे हैं, पर बहन ने अपने भाइयों पे विश्वास करते हुए दौड़ के चले गई और उन्होंने उस चाँद को देख के अर्घ दे के अपना व्रत तोड़ दिया। पहले कौर को जैसे ही खाने के लिए बैठी, पहले कौर में छींक, दूसरे कौर में बाल, तीसरे कौर में उसके पति की मृत्यु की सूचना उसे प्राप्त हुई। वह रोते विलखते अपने ससुराल गई, वहां जाके बहुत बुरी तरह रोने लगी और इंद्राणी देवी से प्रार्थना करने लगी कि ये मैंने क्या किया। तब इंद्राणी देवी उसे कहती है, तुमने अपने करवा चौथ का व्रत आधा अधूरा छोड़ दिया, इस प्रकार तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। तब वह अधिकारी से पूछते अब कैसे क्या किया जाए, तो कहती है अब हर महीने के जो तुम्हारे कर चौथ के व्रत आते हैं तुम्हें हर महीने का एक करवा चौथ का व्रत रखना। जब साल भर तुम्हारे व्रत पूरे हो जाएंगे तो आपके पति में प्राण वापस आ जाएंगे। तो वह माता का कहना मानकर हर महीने की करवा चौथ हर महीने की चौथ को व्रत रखती है, उसे विधि विधान से पूर्ण करती है। जब करवा चौथ आता है अगले साल तो उसको उसी विधि विधान से पूरी करती है। वह किसी उस समय कोई गलती नहीं करती तो उसका पति जीवित हो जाता है। जिस प्रकार इंद्राणी ने उस पुत्री की मनोकामना पूरी कर दी और उसे सौभाग्यवती होने का वर दिया, उसी प्रकार सारी सौभाग्यवती औरतों को उनका अठंग अहंग सौभाग्य मिले, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जय करवा माता।
आई होप दोस्तों आप लोगों ने कथा जरूर सुनी होगी और आप लोगों ने हमारा कीर्तन भी जरूर इंजॉय किया होगा। अब हम लोग जा रहे हैं दोस्तों छत पे, जहाँ पे हम सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आप लोग भी सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। हम लोग तो दोस्तों इस पूजा को, जो आज के दिन की पूजा है, उसको 3 बार करते हैं। जैसे हम जो सुबह फर्स्ट में उठते हैं नहा धो के, हम लोग अपने मंदिर में इस पूजा को करते हैं और अपने अखंड सौभाग्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी सहेलियों के साथ जाकर करवे फिराते हैं और पूजा करते हैं सूर्यदेव को, जल चढ़ाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं अपनी सहेलियों के साथ। फिर जब नाइट में चंद्रमा आ जाता है तो हम लोग अपने पति के साथ इस पूजा को संपन्न करते हैं। दोस्तों पूजा भी काफ़ी अच्छे से हो गई है हम लोग की और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय भी किया यहाँ पे और काफ़ी फ़ोटो भी शूट किए हमने। फिर उसके बाद मेरी जो सहेलियाँ हैं वो फिर से कीर्तन करने लग गई हैं, लेकिन मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। तो मैं आपको सीधे ले चलती हूँ अपने पतिदेव के गिफ्ट के पास। दोस्तों आज ना मुझे मेरे पतिदेव ने पायल और बिछिया गिफ्ट में दिए हैं, क्योंकि डेली वियर के पायल और बिछिया मेरे पास नहीं थे तो उन्होंने सोचा कि पायल और बिछिया ही दे दूँ। वैसे मैंने बताया था उन्हें कि मुझे पायल और बिछिया लेके देना, तो उन्होंने मुझे दे दिया। मेरे पैरों में जो ना महावर लगी है उसे बार बार चेक कर रहे हैं कि ये रेड रेड मेरे हाथों में क्या लग रहा है और मुझसे पूछ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक राज बताती हूँ, मैं ना पायल बिछिया मुझे जब भी पहननी होती है ना, पायल तो मैं फिर भी पहन लेती हूँ लेकिन बिछिया मुझे जब भी पहननी होती है मैं अपने हस्बैंड के पास ही जाती हूँ कि इसे टाइट कर दीजिए। दोस्तों हमारे बाकी के सारे काम हो गए हैं, खाना भी बन गया है, अब बस चाँद का इंतज़ार हो रहा है कि जल्दी से आए और जल्दी से हम लोग पानी पिए और खाना खाएं। मेरे पतिदेव मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आसपास ना बहुत सारे मकान हैं तो चाँद दिख भी नहीं रहा है, छत से भी नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग जाएंगे अपने खेत की तरफ जहाँ से चंद्रमा अच्छे से दिखाई देंगे। चंद्रमा ने भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराया है, चंद्रमा भी निकल आए हैं, पूजा भी हो गई है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है क्योंकि अक्टूबर लास्ट वीक में ये करवा चौथ का व्रत हम लोग का हो रहा है, तो मौसम भी काफ़ी सुहाना हो रहा है इस समय। सुहाने मौसम की तरह सुहानी यादों के साथ आप लोग भी अखंड सौभाग्यवती रहिएगा और अपने जीवन साथी के साथ इसी तरह आजन्म इस व्रत को कंप्लीट कीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। फिर मैं मिलती हूँ आप लोग को एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।